मीरा, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपना समर वेकेशन कैसे मनाना चाहोगे? नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके या फिर नए नए मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेशंस करके? वेल, आपका आंसर कुछ भी हो, हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी चाह लें, पर हमारा समर वेकेशन तो थोड़ा टीवी, थोड़ा आउटडोर गेम, थोड़ा ज्यादा मोबाइल को चलाते हुए और सबसे ज्यादा सोते सोते ही खत्म हो जाता है। वैसे यदि आपने अपने बचपन में ग्रेविटी फॉल्स देखा है तो हर बार की तरह आज भी आपको इस वीडियो में ग्रेविटी फॉल्स से जुड़ी कई सारी ऐसी अमेजिंग चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको पता ना हो। और यदि आपने ग्रेविटी फॉल्स कभी देखा ही नहीं तो दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड बी वॉचिंग दिस अमेजिंग शो। अपने समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए 12 साल के दो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर को उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके ग्रेट अंकल यानी ग्रंकल स्टैन के पास भेज दिया जाता है। ग्रंकल स्टैन ग्रेविटी फॉल्स नाम के एक फिक्शनल टाउन में रहते हैं जहां वो मिस्ट्री शैक नाम का एक टूरिस्ट ट्रैप चलाते हैं। ग्रेविटी फॉल्स में चीजें बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। इसके एपिसोड 1 में ही डिपर को जंगल में एक मिस्टीरियस बुक मिलती है जिसे एक मिस्टीरियस बंदे ने लिखा है। इस रहस्यमय बुक में ग्रेविटी फॉल्स के कई सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जिसे डिपर एंड मेबल एक साथ सुलझाना शुरू करते हैं। इसके हर एक न्यू एपिसोड के साथ आपको ग्रेविटी फॉल्स के बारे में नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। और एक मजे की बात, इसके सभी एपिसोड्स एक दूसरे से जुड़े तो जरूर हैं, बट यदि आपने इसका कोई भी एक रैंडम सा एपिसोड उठाकर देख लिया ना तब भी आपको वो देखने में उतना ही मजा आएगा जितना कि सारे एपिसोड्स को एक ऑर्डर में देखने से आता है। ओवरऑल मिस्ट्री, कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी एंड एडवेंचर से भरे इस शो को किड्स तो किड्स एडल्ट्स के द्वारा भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ग्रेविटी फॉल्स द बैक स्टोरी। ये हैं ग्रेविटी फॉल्स के क्रिएटर अलेक्जेंडर रॉबर्ट हर्श। करेंटली मिस्टर हर्श एक अमेरिकन वॉइस एक्टर, एनिमेटर, राइटर, स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म साल 1985 में यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से उन्होंने अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की एंड यहां पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स एंड शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे जिसमें ऑफ द वॉल उनकी बहुत पॉपुलर शॉर्ट फिल्म है जो कि एनिमेशन एंड लाइव एक्शन का कॉम्बिनेशन है। साल 2007 में कैल आर्ट से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट जॉब कार्टून नेटवर्क पर आने वाले एक शो द मार्वलस मिस एडवेंचर्स ऑफ फ्लैप जैक के लिए एज अ राइटर एंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया। वेल, कुछ टाइम बाद मिस्टर हर्ष ने डिज्नी को ज्वाइन किया एंड वहां पर उन्होंने 2010 में आई एक कार्टून शो फिश हुक्स के पायलट को डेवलप करने का काम किया जिसमें द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी के क्रिएटर मैक्सवेल एटम एंड रिक एंड मॉर्टी के क्रिएटर जस्टिन रॉयलैंड ने भी उनका साथ दिया। एंड फाइनली अब आया साल 2012, वो साल जब एलेक्स हर्श ने डिज्नी चैनल के लिए खुद के चाइल्डहुड से इंस्पायर होकर एक कार्टून शो नन अदर देन ग्रेविटी फॉल्स को क्रिएट किया। ग्रेविटी फॉल्स के प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो इसके कई कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट भी थे। That's Grunkle Stan. What's going on, dudes? I say dudes a lot, dudes. That's Seuss. I'm Old Man McGucket. That's Old Man McGucket. Is this weird? Is this too weird? Do you need to sit down? That's the gnomes. It is I, Quentin Tremblay, 8½ President of the United States of America. That's Quentin Tremblay. Shmebulok. That's Shmebulok the gnome. Wiggity wiggity, what's up, dude bros? I'm Dippy Fresh. That's Dippy Fresh. Reality is an illusion. The universe is a hologram. Bye, gold. Bye. That's Bill. एक फन फैक्ट सुनो, ग्रेविटी फॉल्स के अलावा भी एलेक्स हर्श ने अपनी आवाज कई शोज में दी है जिसमें फिश हुक्स, फिनियस एंड फोब, रिक एंड मॉर्टी, वी बेयर बियर्स एंड द आउल हाउस जैसे कई शोज शामिल हैं। स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स में एलेक्स हर्श को एक एनिमेटेड सिटकॉम द सिम्पसन्स देखना बहुत पसंद था जो कि आगे चलकर उनका ग्रेविटी फॉल्स को बनाने का प्राइमरी इंस्पिरेशन कहा जा सकता है। द सिम्पसन्स को देखकर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमेशन कुड बी फनियर देन लाइव एक्शन। जरूरी नहीं कि कार्टून सिर्फ किड्स के लिए हो, कार्टून्स में भी सटायरिकल एंड ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी एलिमेंट्स डालकर उन्हें किड्स एंड एडल्ट्स को साथ
में टारगेट करके सभी एज ग्रुप्स के लिए बनाया जा सकता है। एंड इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेस पर एलेक्स हर्ष ने इस अमेजिंग शो को क्रिएट किया। जुलाई 2012 के एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में एलेक्स हर्ष से पूछा गया कि ग्रेविटी फॉल्स बनाने का आइडिया उन्हें कैसे आया एंड उनके इंस्पिरेशंस क्या क्या थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रेविटी फॉल्स की स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स मेरे पास काफी लंबे समय से थे। इस सीरीज में जो भाई और बहन का प्राइमरी रिलेशनशिप है, जिसमें भाई को पैरानॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है एंड उसकी बहन थोड़ी ना समझ और मस्ताने किस्म की है, वो मेरे रियल लाइफ पर ही बेस्ड है। एक्चुअली में मेरी एक रियल ट्विन सिस्टर है एंड हमारे एज में मात्र 5 मिनट का फर्क है, और मैं सच में वो न्यूरोटिक किड था जो हर जगह 16 डिस्पोजेबल कैमरास लेकर जाता था जब भी कहीं घूमने की बारी आती थी। एंड मेरी सिस्टर सच में बचपन में सिर्फ स्वेटर्स पहना करती थी, जिसकी वजह से उसके पास स्वेटर्स का एक बड़ा कलेक्शन था। एंड इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने मेबल को हर एक न्यू एपिसोड में न्यू स्वेटर के साथ दिखाया है। एंड अगेन माय सिस्टर, शी रियली हैड अ डिफरेंट रिडिकुलस क्रश एवरी वीक जस्ट लाइक मेबल। सो यार, डिपर एंड मेबल का जो मेन रिलेशनशिप है वो 100% मेरा ही है, मेरे खुद के चाइल्डहुड का है। यहाँ तक कि डिपर एंड मेबल के अंकल स्टैन भी मेरे रियल ग्रैंडपा स्टैन से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल माई फैमिली रियली इंस्पायर्ड द कैरेक्टर्स ऑन द शो, एंड इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्ट्रीज एंड मैजिक एंड द पैरानॉर्मल जस्ट ऑल कम फ्रॉम द स्टफ आई लव्ड व्हेन आई वाज अ किड। मैंने ये हमेशा से सोचा था कि यदि मैं बड़ा होकर कोई किड शो बनाऊंगा ना, तो कुछ ऐसा ही बनाऊंगा जो मेरे 12 इयर्स ओल्ड सेल्फ को पसंद आए, एंड ग्रेविटी फॉल्स वही शो है। सो जुलाई 2012 के इंटरव्यू में एलेक्स हर्ष ने ग्रेविटी फॉल्स के कॉन्सेप्ट के ओरिजिन को डिस्क्लोज किया है। एंड सितंबर 2012 के एक इंटरव्यू में एलेक्स हर्ष ने ग्रेविटी फॉल्स के स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ चीजें बताई थी। एलेक्स हर्ष कहते हैं कि ग्रेविटी फॉल्स के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने ही डेवलप किया, और इसके हर एक एपिसोड के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमने एक बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम बनाई। हमने कहा जिसको भी लगता है कि वो ग्रेविटी फॉल्स के एपिसोड के लिए कुछ लिख सकता है वो सब आ जाओ, क्योंकि हमारा शो बहुत सी चीजों को एक साथ मिक्स करके बना है। यप, इट्स अ मिक्स ऑफ मिस्ट्री, एडवेंचर, एक्शन, कॉमेडी, कल्चरल रेफरेंसेस, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर एंड वैकी कार्टून गैग्स एसेट्रा। और एक ऐसा शो ढूंढना सच में बहुत मुश्किल है जिसमें ये सारी चीजें एक साथ हो, क्योंकि ऐसा शो बनाना ही बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई वी वुड लाइक लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड गेट देम all in one room and mix them together to try and find that stew. And it's very difficult to find people who can balance that stuff. हम basically एक episode के लिए लगभग 100 scripts पढ़ा करते थे and उसमें से सिर्फ वही 3 चुनते थे जो हमें सबसे ज्यादा हंसाया करते थे. So yeah, that was our process of writing a script for each episode on surface level. अभी तक Alex Hirsch ने ऊपर से बताया कि वो Gravity Falls के scripts कैसे लिखते थे. इसके आगे कुछ भी जानने से पहले आपको कुछ terms के बारे में clarity होनी जरूरी है, जैसे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटर, सब राइटर, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर, ए स्टोरी, बी स्टोरी एसेट्रा। सी, स्क्रिप्ट राइटिंग एक ब्रॉड टर्म है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट किसी मूवी, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, स्पीच, एडवर्टाइजिंग, रेडियो, यूट्यूब वीडियो एसेट्रा के लिए भी हो सकती है। बट स्क्रीन प्ले एक नैरो टर्म है जिसका मतलब तो स्क्रिप्ट ही होता है, बट इसका यूज ज्यादातर फिल्म्स एंड टेलीविजन्स के स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। काहे कि फिल्म्स एंड टेलीविजन्स की स्क्रिप्ट एक स्टोरी होती है जो हमेशा स्क्रीन पर दिखाई जाती है। अब स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो स्क्रिप्ट राइटर कह देते हैं, और स्क्रीन प्ले लिखने वाले को स्क्रीन प्ले राइटर या फिर सीधे स्क्रीन राइटर भी कह देते हैं। आई होप ये पांचों टर्म अब क्लियर हैं। अनदर क्वेश्चन ये कि स्क्रिप्ट क्या होता है। तो किसी भी स्टोरी का रिटन फॉर्म स्क्रिप्ट कहलाता है। वो स्टोरी किसी मूवी, रेडियो, नाटक या मेरे इस वीडियो के लिए भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक कहानी तो बता रहा हूँ जिसका सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है। तो किसी फिल्म या टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट, जिसे यदि हम स्क्रीन प्ले बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट फिलहाल मैं स्क्रीन प्ले को आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रिप्ट ही बोलूंगा। ओके, तो किसी फिल्म या टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट कई स्टोरीज एक साथ बताती है, कई नहीं तो एक फिल्म या टीवी सीरीज कम से कम 2 स्टोरीज तो जरूर प्रेजेंट करती है। अब उनमें से जो मेन स्टोरी होती है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें ए स्टोरी और बाकी स्टोरीज को बी स्टोरी, सी स्टोरी एसेट्रा एसेट्रा कहा जाता है। बेसिकली ए स्टोरी हमेशा मेन प्लॉट होता है और बाकी स्टोरीज सब प्लॉट कहलाती हैं, जिसमें बी स्टोरी, सी स्टोरी एंड सो ऑन आते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी फॉल्स के फर्स्ट एपिसोड में डिपर
एंड मेबल की एक ए स्टोरी है और इन बौनों की एक बी स्टोरी है जो ए स्टोरी के कैरेक्टर मेबल से जुड़ी है और इसीलिए इन कैरेक्टर्स का एक दूसरे से आमना सामना होना पॉसिबल हो पाता है। मतलब बी स्टोरी के एब्सेंस में ये एपिसोड ही नहीं बन पाता। वेल, स्टोरी को ही प्लॉट बोलते हैं जिस पर पूरी मूवी या एक सीरीज टिकी होती है एंड उन स्टोरीज के अंदर कुछ डायलॉग्स होते हैं जिसे आमतौर पर स्क्रिप्ट राइटर ही लिखता है, बट यदि किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए स्क्रिप्ट राइटर अच्छे डायलॉग्स नहीं लिख पाता है, मे बी लैक ऑफ नॉलेज और क्रिएटिविटी के कारण, तो वो उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए अलग से अपने साथ एक डायलॉग राइटर रख सकता है जो उसके डायलॉग्स लिखता है। सो नाउ एलेक्स हर्श कहते हैं कि मैं राइटर्स के रूम में जाता था जहाँ पर मेरा एक ही काम रहता था, थॉट्स के बारिश में नहाने का। मींस हम नए एपिसोड के लिए कुछ कुछ सोचते रहते थे। मैं ए स्टोरी लिखता था, फिर बी स्टोरी लिखता था, इनको लिखने के बाद फिर दूसरे सब राइटर्स को वो स्क्रिप्ट देता था ताकि वो अपनी तरफ से स्क्रिप्ट में चेंजेस या कुछ ऐड करें। उसके बाद वही स्क्रिप्ट दोबारा मेरे पास आती थी एंड मैं उन एडजस्टेड स्क्रिप्ट्स में नोट्स लिखता था कि कहां क्या सही है या कहां क्या गलत है, और फाइनल स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले भी मैं स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा से लिखता था। ऐसा करके मैं दूसरे सब राइटर्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं करता था, बल्कि इट्स जस्ट वी हैड अ पार्टिकुलर विजन। इन पार्टिकुलर आई यूज्ड टू रीराइट ऑलमोस्ट ऑल द डिपर्स डायलॉग्स एंड मोस्ट ऑफ द मेबल्स डायलॉग्स जस्ट बिकॉज आई हैड देम इन माय हेड। मैं और ग्रेविटी फॉल्स के क्रिएटिव डायरेक्टर माइक हर एक एपिसोड के फाइनल स्क्रिप्ट के डिलीवरी से पहले पूरे 48 घंटे तक ऑफिस में ही रहते थे। वीकेंड पर भी हम घर नहीं जाते थे, पूरी रात स्क्रिप्ट्स पर काम करते थे, जगे रहने के लिए रेड बुल पीते थे और ज्यादा नींद आने पर एक दूसरे के गाल पर थप्पड़ मारा करते थे। हाँ, हम अपने काम के प्रति पूरे पागल थे। फाइनल स्क्रिप्ट हम बोर्ड आर्टिस्ट को डिलीवर कर देते थे जो कि स्क्रिप्ट के अनुसार अलग अलग सीन्स के ड्राइंग्स बनाते थे। उन सभी ड्राइंग्स को पहले मैं चेक करता था, कहीं कुछ कमी होती थी तो उसे ठीक करता था, जैसे एक्सप्रेशंस ऐड करना या गैग्स बनाना एसेट्रा, जिसके बाद एनिमेशन स्टूडियोज इसका पूरा एनिमेशन बनाकर तैयार करती थी। एंड में मैं अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करके एडिटिंग टीम को देता था, जिसके बाद फाइनल एडिटिंग करके पूरा एक एपिसोड रेडी होता था। ग्रेविटी फॉल्स इन इंडिया। ग्रेविटी फॉल्स के टोटल 2 seasons बनाए गए, जिसमें से फर्स्ट सीजन को ओरिजिनली साल 2012 से 2014 तक डिज्नी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया एंड सेकंड सीजन को साल 2014 से 2016 तक डिज्नी XD चैनल पर एयर किया गया। इंडिया में ग्रेविटी फॉल्स फर्स्ट टाइम 16 सितंबर 2013 को इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नी चैनल पर शाम 6:30 बजे हिंदी डब के साथ ब्रॉडकास्ट किया गया था। बात करूं इनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की, तो डिपर को अपनी हिंदी अमित डियोंडी ने दी है, मेबल को उर्वी आषाढ़ ने, एंड बाकी की पूरी डबिंग आर्टिस्ट के लिस्ट आप मेरे वेबसाइट www.animationvibes.com पर जाकर देख सकते हो। आज की डेट में ग्रेविटी फॉल्स इंडियन टीवी चैनल्स पर तो नहीं आ रहा, बट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इसका पहला सीजन जरूर देख सकते हो। और वो वाले जुगाड़ से देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Why ग्रेविटी फॉल्स वॉज कैंसल्ड। 20 नवंबर 2015 को एलेक्स हर्श ने टम्बलर के थ्रू ये अनाउंस किया था कि ग्रेविटी फॉल्स के 2 episodes बचे हैं, जिसके बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। उस टम्बलर पोस्ट में एलेक्स हर्श ने लिखा था कि ये शो कैंसल नहीं हो रहा है बल्कि फिनिश हो रहा है, वो भी 100% मेरी अपनी इच्छा से, ना कि डिज्नी की। फर्दर एलेक्स हर्श सेड दैट इट्स समथिंग आई डिसाइडेड ऑन अ वे लॉन्ग टाइम अगो। आई ऑलवेज डिजाइंड ग्रेविटी फॉल्स टू बी अ फाइनाइट सीरीज अबाउट वन एपिक समर, अ सीरीज विद अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। और कई शोज हैं जो एंडलेसली चलते ही रहते हैं जब तक वो अपना ओरिजिनल स्पार्क नहीं खो देते, पर ग्रेविटी फॉल्स के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 2 seasons के साथ ही ये लोगों के दिलों में अपनी एक स्पेशल जगह बना कर रखे। वेल, उस टम्बलर पोस्ट में आगे भी एलेक्स हर्श ने बहुत कुछ कहा है, प्लस कुछ FAQs के आंसर्स भी दिए हैं। सो इफ यू आर अ ट्रू ग्रेविटी फॉल्स फैन, देन आपको वो पोस्ट पूरा पढ़ना चाहिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भले ही आज इस शो के नए एपिसोड्स नहीं बन रहे हैं, पर अभी भी इसके रीरन्स बहुत से देशों में डिज्नी चैनल पर दिखाया जाता है। हाँ, क्योंकि इंडियन किड्स चैनल लोकल शोज को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसीलिए ग्रेविटी फॉल्स के साथ साथ कई ऐसे अमेजिंग शोज हैं जिसे आज की किड्स जनरेशन उन्हें टीवी पर देखकर एंजॉय नहीं कर पा रही।
The Learnings. Alex Hirsch कहते हैं कि मैंने और मेरी सिस्टर ने कई साल तक अपनी गर्मियों की छुट्टियां रिश्तेदारों के पास ही जाकर बिताई हैं। वो गर्मियां बहुत लंबी थी और कोई टीवी या इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था। टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ था ही नहीं, एंड इस खालीपन को भरने के लिए मेरी इमेजिनेशन काम आती थी। मैं दिन के समय जंगलों में सैर करता रहता था और सोचता रहता था कि क्या हो अगर इस झील में एक राक्षस हो, अगर जंगल में नोम्स होते तो क्या होता, एसेट्रा एसेट्रा। वेल, एंड में ग्रेविटी फॉल्स क्रिएट करके एलेक्स हर्ष ने अपने बचपन की उन सभी कल्पनाओं को साकार किया। बेसिकली एलेक्स हर्ष की तरह ही हम सबके लाइफ की अलग अलग कहानियां हैं, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम भी कुछ न कुछ क्रिएट कर ही सकते हैं। देखो, मेरी कहानी आपकी कहानी से बिल्कुल अलग है, मिलती जुलती हो सकती है बट सेम कभी नहीं। मैंने अपने बचपन में डोरेमोन एंड दूसरे एनिमेशंस देखकर खूब टाइम पास किया, एंड उस समय तो मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन मैं इन कार्टून्स के बेस पर कुछ क्रिएट कर रहा हूंगा। एंड आपको भी नहीं पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो फ्यूचर में कहां कैसे काम आएगा, क्योंकि ये ना मुझे पता था और ना एलेक्स हर्ष को। सिंपल सा मॉरल है कि आप जो करो दिल से करो, भले ही वो टाइम पास करना ही क्यों ना हो। नहीं सीरियसली यार, आपसे यदि आज कोई काम सही से नहीं होता और आपको लगता है कि यार मैं तो किसी काम का ही नहीं, तो अपने आप को याद दिला दिया करो कि सक्सेस का असली मजा तभी है जब फेलियर का स्वाद चखाओ। एंड नोबडी नोस कि आपका ये आज कल कैसे कल को बदल देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस ये स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट है वो आपके चाइल्डहुड कार्टून्स की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भरी पड़ी है, जिसे खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने फेवरेट कार्टून्स की सारी वीडियोस देख डालो। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।